सो फ्रेंड, अगर आप भी 395 का रिचार्ज करना चाहते हो जियो जो कि सिम में, और अनलिमिटेड डेटा लेना चाहते हो 84 दिन तक, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो कि लैब प्रूफ रिचार्ज करके बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको रिचार्ज करना है, कौन से एप्लीकेशन से करना है, क्योंकि बहुत सारा एप्लीकेशन से आदमी रिचार्ज करता है, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और बहुत सारा जो कि एप्लीकेशन आ चुका है मार्केट में जिसमें जो कि रिचार्ज करता है, लेकिन हर एप्लीकेशन में जो कि ऑफर शो नहीं होता है फ्रेंड, ठीक है। अगर आप जियो सिम इस्तेमाल करते हो तो आपको माई जियो से रिचार्ज करना पड़ेगा, तभी माई जियो एप्लीकेशन में ही सिर्फ ऑफर ये जो कि शो हो रहा है, जो कि 395 में आपको जो कि अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। अगर आपका 5G जो कि सिम है और 5G मोबाइल है तो आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, जो कि आपको डेटा को क्लेम करना पड़ेगा, मतलब आपको जो डेटा मिलेगा ना, मतलब 84 दिन तक आपको अनलिमिटेड कॉल मिलेगा और 6GB डेटा मिलेगा, मतलब 6GB आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। 6GB डेटा अगर आपका 4G सिम है तो आप जो कि 6GB डेटा को 1 महीना में या 3 महीना में जितना दिन में जाए तो उसको ख़त्म कीजिएगा, तो काम खत्म। अगर आपका 5G सिम है, 5G मोबाइल है, तो आपको जो कि 6GB डेटा मिले या ना, मतलब मिलेगा लेकिन उसमें कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, ठीक है ना। आपको एक सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है, माई जियो एप्लीकेशन में जाके एक सेटअप करना पड़ेगा, सेटअप करने के बाद जो कि आपका अनलिमिटेड डेटा शुरू हो जाएगा, और आप मतलब कितना भी डेटा इस्तेमाल करो, आप अपना फ्रेंड से भी डेटा शेयर कर सकते हो, अगर मान के चलो आप अपना घर में इस्तेमाल करो तो आप किसी को भी डेटा शेयर कर सकते हो हॉटस्पॉट के द्वारा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो अनलिमिटेड डेटा मतलब ये जो कि बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त ऑफर है जो कि जियो एप्लीकेशन के तरफ से, ठीक है ना। तो अगर आप लोग एक जियो यूज़र हो तो इस ऑफर को जरूर, मतलब इस ऑफर का लाभ उठाए फ्रेंड, ठीक है। तो चलो मोबाइल का स्कीम पे जाकर आपको लैब प्रूफ रिचार्ज करके बताते हैं कि किस प्रकार से आपको रिचार्ज करना है, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कहाँ पर ऑफर शो होगा, ठीक है। सो फ्रेंड चलो चलते हैं मोबाइल का स्कीम पे, वहाँ पे डिटेल में जानेंगे। सो फ्रेंड आ चुका हूँ अपना मोबाइल के स्क्रीन पे। सो फ्रेंड सबसे पहले आपको क्या करना है, जो माई जियो एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है, अगर अपडेट नहीं किए तो, ठीक है। अपडेट करने के बाद सिंपल से आपको माई जियो एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है फ्रेंड, ठीक है। सो जैसे इसको ओपन कीजिएगा फ्रेंड, सो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो कि जो मेरा रिचार्ज प्लान जो था वो यहाँ पे जो कि ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे जो कि लास्ट जो मेरा प्लान था रिचार्ज जो कि 395 का, जो कि 84 दिन का अनलिमिटेड डेटा, ठीक है। जो कि अगर आपका 4G सिम है तो आपको यहाँ पे जो कि 6GB डेटा मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपका 5G सिम है तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल से क्या करेंगे इस रिचार्ज करने के लिए, यहाँ से हम क्या करेंगे फ्रेंड, अगर आप मान के चलो अपना खुद का मोबाइल का रिचार्ज करना चाहते हो या अपना फ्रेंड का, ठीक है ना, तो सिंपल से यहाँ पे आपको जो कि मेन्यू का ऑप्शन पे टैप कर लेना है। मेन्यू का ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा रिचार्ज फ्रेंड, मतलब फॉर फ्रेंड। अगर आप लोग अपना फ्रेंड का रिचार्ज करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपल सा टैप करके क्या कि यहाँ पे आपको अपना फ्रेंड का नंबर डाल देना है, फिर आप यहाँ से कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं अपना खुद का रिचार्ज करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेन्यू के ऑप्शन पे टैप कर लेंगे, उसका यहाँ पे जैसे देख सकते हो रिचार्ज योर नंबर, ठीक है, मतलब मेरा खुद का नंबर का रिचार्ज करने वाला हूँ जो अभी सिम लगा हुआ है, ठीक है, जो जियो का, यहाँ पर टैप कर लेंगे फ्रेंड। यहाँ पर टैप करने के बाद थोड़ा वेट कर लेंगे, ठीक है ना। सो जैसे मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, वेट करने के बाद थोड़ा देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ गया। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा 395 और यहाँ पे जैसे देख सकते हो अनलिमिटेड 5G, ठीक है, यहाँ पे ऊपर का आपको शो हो रहा है, ठीक है। और कितना यहाँ पे वैलिड है, यहाँ पे 84 दिन का 6GB डेटा, मतलब ये तो कोई काम का है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अनलिमिटेड जो कि यहाँ पे मिल रहा है मेरे को, ठीक है। तो अगर आप लोगों का 4G सिम है तो आप लोगों का 6GB डेटा मिलेगा, आप लोग 1 महीना में ख़त्म करो, 10 दिन में, जितना दिन में, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों का 5G सिम है तो आप लोग यहाँ पर जो कि 84 दिन तक यहाँ पर अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो भी अनलिमिटेड है, यहाँ पे जो कि देख सकते हो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको अगर ऊपर नहीं शो हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे इसको डाउन करते हुए देख लेना, ठीक है ना, आपको जो कि ये प्लान आपको शो हो जाएगा, ठीक है, जो कि 395 का, ठीक है। या फिर आप लोग यहाँ पे जो कि टैप करके इस प्रकार से आप लोग ऊपर नीचे करके देख सकते हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल मेरा यहीं पर जो कि शो हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे रिचार्ज करने के लिए, सिंपल से यहाँ पर रिचार्ज का ऑप्शन पर टैप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से मैं रिचार्ज का ऑप्शन पर टैप कर लेता हूँ फ्रेंड। अब यहाँ पर टैप करने के बाद थोड़ा वेट कर लेंगे, तो थोड़ा मैं वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि 395 रुपये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसका यहाँ पे बता रहा है कि पेमेंट मेथड, मतलब आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे यहाँ से पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पेटीएम से पेमेंट करने वाला हूँ फ्रेंड, ठीक है। सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे पेटीएम सेलेक्ट कर लेंगे, उसका यहाँ पे जो कि पेमेंट का ऑप्शन पे पेमेंट मेथड पे यहाँ पे टैप कर लेंगे। उसका थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पे बता रहा, तो चलो यहाँ से मैं एक पेटीएम का ले लेता हूँ। उसका यहाँ से मैं पेटीएम का जो पेमेंट है उसको यहाँ से कर लेता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड, अपना जो UPI पिन है उसको यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं अपना UPI पिन डाल दिया, उसका थोड़ा वेट कर लेंगे फ्रेंड। थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि पेमेंट मेरे यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो पेमेंट सक्सेस, ठीक है।
वो पेमेंट सक्सेस हो चुका और रिचार्ज भी यहाँ से मेरा सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा वेट कर लेंगे, यहाँ पे जैसे देख सकते हो 395 रुपया मेरा यहाँ पे जो कि कट हो चुका है, और यहाँ पे जैसे देख सकते हो रिचार्ज 395 सक्सेस, ठीक है। यहाँ पे 8 बजे पक्का मेरा हो गया रिचार्ज, ठीक है, जो कि 6 नवंबर को। तो इस प्रकार से रिचार्ज सक्सेस हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डन का ऑप्शन पे सिंपल से यहाँ पे टैप कर लेंगे फ्रेंड। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डन का ऑप्शन पे टैप कर लिया, तो लो इसका 3 स्टार दे देता हूँ, सबमिट कर दिया 3 स्टार, ठीक है। उसका थोड़ा वेट कर लेंगे, तो यहाँ पे अपडेट मांग रहा है, चलो यहाँ से अपडेट भी कर लेता हूँ, ठीक है। उसका यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड, थोड़ा वेट कर लेंगे, इसको अपडेट होने तक इंतजार कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को इसको सेटअप करना नहीं मालूम है कि किस प्रकार से आपको सेटअप करना है, जो कि अनलिमिटेड डेटा का जो है, तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना कर रखा हूँ कि जियो का सिम का जो अनलिमिटेड डेटा है उसको आपको किस प्रकार से एक्टिव करना है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसमें डिटेल प्रॉपर तरीके से मैं बताया हूँ कि किस प्रकार से आप जो कि इसको एक्टिव कर सकते हो, मतलब अनलिमिटेड डेटा, ठीक है। अगर आप लोग एक्टिव नहीं कीजिएगा तो फिर अनलिमिटेड डेटा आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेंगे, यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि मेरा जो इंस्टॉल हो रहा है। सो चलो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बैक कर लेता हूँ, फिर से यहाँ पे माई जियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद फिर यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो कि मेरा अनलिमिटेड डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, और 6 GB डेटा, ठीक है। और यहाँ पे जो कि 300 जो कि 95 का जो प्लान है वो यहाँ पे भी शो हो रहा है, ठीक है, जो कि अभी जो एक्टिव किया हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए भी मिल जाएगा, टू यहाँ पे प्लान एक्टिव, यहाँ पे मतलब एक मेरा प्लान जो कि पहले समाप्त हो गया, दूसरा मिला है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो फ्रेंड कि 395 में आपको 84 दिन तक यहाँ पे आपको मिल रहा है फ्रेंड, ठीक है ना। तो बहुत लोग जो कि यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल एकदम लाभ उठाइए, क्योंकि जब ऑफर मिल रहा है तो आप लोग क्यों, अगर बहुत लोग का 5G सिम है, 5G मोबाइल है, मगर उन लोग को पता ही नहीं कि 395 में भी 84 दिन अनलिमिटेड डेटा मिलता है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से जाके इसको एक्टिव कर लीजिए और इसका लाभ उठाइए। आपको यहाँ पे जैसे देख सकते हो यहाँ पे जो कि जियो ट्यून भी यहाँ पे फ्री मिलेगा, सब कुछ फ्री, ठीक है। तो कैसे लगा फ्रेंड वीडियो आज का, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना फ्रेंड, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई सा भी प्रॉब्लम है रिचार्ज में या फिर कोई भी डेटा वगैरह में, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, उसका भी सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को तो उसका भी आप लोग कमेंट में बताना, या फिर आप लोग क्या करना कि मेरा टेलीग्राम का ग्रुप का मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, उसमें स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ठीक है, ताकि मेरे को भी पता चले कि ऐसा प्रॉब्लम है, ताकि उसका सोल्यूशन खोजने में थोड़ा मेरे को भी हेल्प मिले, ठीक है। सो फ्रेंड चलो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, आज के लिए इतने, ओके बाय, टेक केयर।